नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पीएम मोदी करेंगे देशव्यापी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को विश्व के सबसे बड़े देशव्यापी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। बता दें, इस दौरान कोविड वैक्सीन की डोज लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए पीएमओ ने बताया कि पीएम मोदी 16 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ के दौरान सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 3,617 साइटें प्रस्तुतः जुड़ी हुई होगी। बता दें, 16 जनवरी को प्रत्येक सत्र स्थल पर लगभग 100 लाभार्थियों को टीका लगाया जाना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी झारखंड के जिलों में अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी, जबकि 5 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। बता दें, रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री रहा, जबकि कांके का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने बताया कि 14 से 18 जनवरी तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा और दक्षिणी झारखंड के जिलों में 2 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जबकि 18 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। आज किसान अधिकार दिवस पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी शुक्रवार को आयोजित किसान अधिकार दिवस पर राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगी। यह जानकारी देते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शमशेर आलम ने बताया कि धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विभिन्न कमेटियां गठित की है, जो धरना कार्यक्रम में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी। झारखंड में पहले दिन 129 के बदले 48 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन। झारखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान के पहले दिन 16 जनवरी को मात्र 48 केंद्रों पर ही टीका लगाया जाएगा। बता दें, तय कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन राज्य के 129 केंद्रों पर कोविड टीका दिया जाना था, लेकिन अब हर जिले में केवल 2 केंद्रों पर ही टीका दिया जाएगा। हर केंद्र पर 100-100 लोगों को टीका लगेगा। बता दें, देश में टीके की लॉन्चिंग वाले दिन शनिवार को झारखंड में 4800 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लॉन्चिंग कार्यक्रम में यह बदलाव गुरुवार शाम केंद्र सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद किया गया। लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, जिसे केंद्रों पर सुना जा सकेगा। चतरा में 15 लाख के इनामी उग्रवादी मुकेश गांजू ने किया आत्मसमर्पण। उग्रवादी संगठन टीपीसी के सेकेंड सुप्रीमो और 15 लाख के इनामी उग्रवादी मुकेश गांजू उर्फ मुनेश्वर गांजू ने हथियार के साथ चतरा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूत्रों के अनुसार मुकेश गांजू को किसी गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि पुलिस शुक्रवार को मीडिया के सामने इसकी औपचारिक घोषणा कर सकती है। 18 जनवरी से खुलेंगे कस्तूरबा नेतरहाट सहित सभी आवासीय विद्यालय। झारखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सहित सभी आवासीय स्कूल 18 जनवरी से कक्षा 10 तथा 12वीं के लिए खुलेंगे। इनमें लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय तथा झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, मॉडल विद्यालय आदि शामिल हैं। बता दें, स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है। बता दें कि सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों को इन दोनों कक्षाओं के लिए 21 दिसंबर से ही खोलने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन उस समय आवासीय विद्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं मिली थी। झारखंड में 11 महीना में 500 से अधिक नाबालिग बच्चियां हैवानियत का शिकार। खिलौने गुड्डों से खेलने की उम्र में बच्चियां हैवानियत का शिकार हो रही है। कथित अबुआ राज में झारखंड में पिछले 11 महीना में 500 से अधिक नाबालिग बच्चियों की असमत लूटी गई है। झारखंड पुलिस के ये आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था तार तार हो चुकी है। जिस परिवार में बच्चियां हैं, वह परिवार अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने में हिचक रहा है। श्री राम मंदिर के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे पहला चंदा। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति की शुभकामना व उनके द्वारा दिए गए समर्पण निधि के साथ पूरे देश में शुक्रवार से शुरू होगी। इसके लिए शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा। बीहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अभियान के लिए शुभकामना लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समय मांगा गया है। झारखंड में 144 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो रांची से 77, बोकारो 6, चतरा 1, देवघर 2, धनबाद 9, पूर्वी सिंहभूम 27, गढ़वा 3, गोड्डा 2, गुमला 1, जामतरा 1, खूंटी 3, कोडरमा 2, लातेहार 5, लोहरदगा 1, रामगढ़ 2, सिमडेगा 1, पूर्वी सिंहभूम से 1 मरीज मिले हैं।
बता दें झारखंड में गुरुवार को भी एक भी व्यक्ति की मौत कोरोना से नहीं हुई है। वहीं झारखंड में कुल मौत की संख्या 1048 है, एक्टिव केस 1327 है। भारत में 15,515 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। भारत में कुल मौत की संख्या 151,954 है। वहीं एक्टिव केस 210,158 है। ओरमांझी हत्याकांड, शेख बिलाल गिरफ्तार। रांची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें ओरमांझी में विभत्स तरीके से मारी गई युवती का सिर बरामद करने के 3 दिनों बाद कातिल शेख बिलाल को गिरफ्तार कर लिया है। शेख बिलाल ओरमांझी थाना क्षेत्र के पांचा गांव में अपने एक दोस्त के घर रह रहा था। वह अखबार और टीवी के माध्यम से पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखता था। पुलिस की टीम ने इसके गुप्त सूचना मिलने के बाद ही बिलाल को दबोच लिया है। किसानों के समर्थन में राजभवन पर धरना, आलमगीर आलम। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में और प्रदर्शन कर रहे किसान के समर्थन में झारखंड कांग्रेस राजभवन पर शुक्रवार को धरना प्रदर्शन करेगा। इस विरोध प्रदर्शन में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह भी शामिल होंगे। बता दें इसको लेकर झारखंड कांग्रेस विधायक दल नेता और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि किसान के समर्थन में प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस ने घेराव और धरना कार्यक्रम का आयोजन किया है। गोड्डा की मेडिकल कॉलेज छात्रा की मौत मामले में 24 सदस्यीय एसआईटी गठित। हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज की प्रथम सेमेस्टर की छात्रा पूजा भारती की मौत का खुलासा 48 घंटे के बाद भी नहीं हो पाया है। एसपी के निर्देश पर पुलिस की पूरी टीम जांच में जुट गई है। बता दें मामले की जांच के लिए डीआईजी के निर्देश पर 24 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। टीम का नेतृत्व हजारीबाग व रामगढ़ के एसपी संयुक्त रूप से करेंगे। झारखंड की 12,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। झारखंड की 12,000 महिलाओं को इस वर्ष रोजगार मिल सकेगा। देश विदेश में धागा, कपड़ा व गारमेंट्स बनाने वाली कंपनियों में प्रमुख कोयम्बटूर स्थित केपीआर मिल्स ने झारखंड सरकार से राज्य की 12,000 महिलाओं को रोजगार देने की बात कही है। बता दें प्रथम चरण में राज्य सरकार ने झारखंड की 6,000 युवतियों महिलाओं को कोयम्बटूर भेजने का निर्णय लिया है। इस बाबत राज्य सरकार शीघ्र ही केपीआर मिल्स के साथ एमओयू करेगी। ओरमांझी हत्याकांड, पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कराया। रांची के ओरमांझी के जंगल में सूफिया परवीन नाम की लड़की की जघन्य हत्या करने के मामले में रांची पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कराया। पुलिस मुख्य आरोपित शेख बिलाल को लेकर घटनास्थल पर पहुंची और सीन को रिक्रिएट कराया। युवती की हत्या के बाद उसका धड़ ओरमांझी के पलास पतरा जंगल में मिला था। पुलिस सूत्रों की माने तो इस विभत्स वारदात को अंजाम देने की पूरी कहानी का सीन पुलिस रिक्रिएट कर रही है। कानून में आम आदमी का भरोसा कायम रखने के लिए बहु बेटिया की सुरक्षा सुनिश्चित करे पुलिस। क्षेत्रीय जन विकास परिषद के अध्यक्ष दयानंद मिश्रा ने कहा है कि राज्य सरकार की साख बचाने के लिए नहीं बल्कि कानून पर आम आदमी का भरोसा कायम रखने के लिए पुलिस को बहु बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में दुष्कर्म की घटना बढ़ रही है वह सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। अपराधियों में कानून का डर बना रहना चाहिए। दुष्कर्म जैसे मामले में दोषियों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के तत्काल बाद कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारी कार्यालय व अस्पतालों में रोज होगी फूड सैंपलिंग। होटल, रेस्तरा और दुकानों में खाद्य पदार्थ की जांच के बाद अब सरकारी कार्यालयों के कैंटीन से भी खाद्य का नमूना जाँच के लिए लिया जाएगा। यानी प्रशासन की नज़र सरकारी कार्यालयों में बन रहे खाने की गुणवत्ता पर रहेगी। यही नहीं, सरकारी अस्पतालों की रसोइयों में इस व्यवस्था को देखा जाएगा। इसके लिए नियमित अंतराल पर फूड सेफ्टी ऑफिसर खाद्य पदार्थों का नमूना संग्रहित करेंगे। इसे जांच के लिए नामकुम स्थित लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। सांसद ने नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन से की मुलाकात। रांची के सांसद संजय सेठ ने गुरुवार को नई दिल्ली में नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर एसी शर्मा से मुलाकात कर झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज में नामांकन को लेकर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि बुधवार को ही सांसद सेठ ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की थी। सांसद सेठ ने बताया कि झारखंड में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। एमबीबीएस के लिए एक सत्र के दाखिला के बाद ही अगले सत्र में दाखिला की अनुमति एनएमसी के द्वारा नहीं दी गई। इसमें झारखंड के 300 छात्र एमबीबीएस में नामांकन से वंचित रह गए हैं। गर्म पानी के कुंड में स्नान को उमड़े श्रद्धालु। पाकुड़ जिले में मकर संक्रांति का पर्व पूरे उत्साह के साथ संपन्न हुआ। बता दें मौके पर जिले के हिरणपुर, अमरापाड़ा, महेशपुर व पाकुड़िया प्रखंडों में बहने वाली नदियों में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और विधिवत पूजा अर्चना की।
बता दें इन स्थानों पर श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ के मद्देनजर जहां स्थानीय पुलिस व प्रशासन द्वारा बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किया गया था। जामताड़ा के ब्रेन पर रिसर्च करेगा अमेरिका। साइबर क्राइम के लिए बदनाम झारखंड के जामताड़ा में रहने वाले बेरोजगार और कम पढ़े लिखे युवकों के ब्रेन पर अब अमेरिका रिसर्च करना चाहता है। बता दें ब्रेन मैपिंग के जरिए देश के पढ़े लिखे आम लोगों से लेकर राजनेता और यहां तक कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दक्ष लोगों को भी यहां के युवा कैसे अपने झांसे में ले लेते हैं। अमेरिका एक्सपर्ट इस पर रिसर्च करना चाहते हैं। झारखंड खाद्य आपूर्ति विभाग का बड़ा खुलासा। राज्य में गरीबों को मिलने वाले सरकारी राशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है। बता दें खाद्य आपूर्ति विभाग की सरकारी जांच रिपोर्ट कह रही है कि विभाग द्वारा अब तक राज्य में कराए गए 4.5 लाख राशन कार्डों की जांच में 260,000 राशन कार्ड फर्जी मिले हैं। इन राशन कार्ड को आधार कार्ड के नंबर में हेर फेर कर बनवाया गया था। मकर संक्रांति पर बाबा बासुकीनाथ को लगा तिल गुड़ का भोग। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर गुरुवार को बासुकीनाथ मंदिर में विशेष पूजा में भगवान नागेश को तिल गुड़ दही लाई और विभिन्न प्रकार के मिष्ठान आदि का भोग लगाया गया। बता दें भगवान सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य पर बासुकीनाथ मंदिर में मकर संक्रांति का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाए जाने की परंपरा रही है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।